अब आप देख रहे होंगे, और अब देखिए इसके अंदर जो लाइट आ रही है इतनी ज़बरदस्त फोकस लाइट आ रही है। अगर इसके नीचे कोई भी हमारा इनकेस मदरबोर्ड रखा है, कुछ भी रखा है, माइक्रोस्कोप क्या विदाउट माइक्रोस्कोप काम करने में भी इतना ज़बरदस्त मज़ा आएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सभी, न्यू गैजेट टेक्री में आपको स्वागत है। आज वीडियो बहुत इंटरेस्टेड रहने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ। आपने अभी तक इस तरह की काफ़ी बड़ी बड़े लैंप देखे होंगे या इस तरह की एलईडी लाइट वगैरह देखी होगी। मैं आज आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिससे कि आप उसे माइक्रोस्कोप पे यूज़ कर सकते हैं या मल्टीपर्पज़ भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ईजिली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे भाई चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन है वो भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो जैसे देखने के लिए मिल जाए। तो टाइम ना खराब करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू इससे करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कितनी बड़ी लाइट होती है। अगर हम इसको सपोज माइक्रोस्कोप पर यूज़ करना चाहें तो ईजिली हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये माइक्रोस्कोप पे नहीं बैठ पाती सही से। वैसे माइक्रोस्कोप के साथ इनबिल्ट अपनी खुद की भी एक लाइट आती है। बाकी अगर आपको उससे भी ज़्यादा अगर रोशनी चाहिए या आपको एग्जैक्ट पॉइंट पर रोशनी चाहिए, फोकस वाली लाइट चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाली लाइट मार्केट से परचेस कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही देखा, ये वाली लाइट आप इजीली मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलने वाली है? ये आपको करोलबाग गफ्फार मार्केट MK टूल्स पे ये मिलने वाली है। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के बाद इसके और भी क्या क्या फीचर है मैं आपको वो भी पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। तो चलिए टाइम ना खराब करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो फ्रेंड चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स के बाद इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकलती है और ये किस टाइप की लाइट होती है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने के बाद इसके अंदर एक लाइट निकली है, इसको एक साइड रख देते हैं। और एक इसके अंदर कार्ड निकला, ये किस चीज़ का कार्ड है या सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है या अगर आपकी समझ में आए ना कुछ तो मेरे को कमेंट करके थोड़ा सा मुझे भी बता देना। बॉक्स पूरा खाली हो चुका है और इसके अंदर फीचर क्या क्या है जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर, चलिए मैं बता देता हूँ आप क्या देख रहे हैं। इसके अंदर मैग्नेट दिया गया है, कलर जो इसका ब्राइटनेस है बहुत ज़बरदस्त दी गई है, फ्लेक्सिबल दी गई है। और दूसरी बात ये कि एक जो इसके आगे जो ये LED बल्ब लगा हुआ है वो बिल्कुल फोकस वाला दिया गया है। तो बॉक्स को कर देते हैं एक साइड, लाइट को कर लेते हैं ओपन। और लाइट जैसे मैंने ओपन करी तो इसके अंदर सबसे पहले मैं जैसे कि देख रहा हूँ इसके अंदर MK टूल्स की ब्रांडिंग हुई हुई है। ये MK टूल्स की इसके अंदर ब्रांडिंग हुई हुई है और यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं ये फ्लेक्सिबल लाइट है। इसको जिधर चाहें उधर हम इसको इजीली मोड़ सकते हैं। इस फ्लेक्सिबल के साथ साथ इधर भी जैसे कि देख रहे हैं आप, इधर एक मैग्नेट दिया गया है इसके अंदर, ये मैग्नेट दिया गया है इसके अंदर। मैग्नेट के साथ साथ इसके अंदर वायर है। और प्लग की बात करें तो इसमें इम्पोर्टेड प्लग है, इधर आपको सॉकेट लगाना पड़ेगा दूसरा इंडियन करने के लिए। और इधर जैसे कि आप देख रहे हैं ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच दिया गया है। तो इसको पहले हम माइक्रोस्कोप पे टेस्ट कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोप पे ये किस तरह दिखने वाली है। तो गाइज माइक्रोस्कोप को उठा लिया है मैंने यहाँ। अब सपोज देख रहे हैं जैसे कि आप, मैं इसको ऐसे ही दिखाऊंगा आपको ऐसे। चलिए मैं थोड़ा कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो फाइनली गाइज ये जो LED लाइट है इसके ऊपर लगा लेते हैं जल्दी से माइक्रोस्कोप पे, फिर इसको देखते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो एक लाइट लगती है इस टाइप की लाइट लगती है, आप देख रहे हैं जैसे कि काफ़ी बड़ी लाइट है। अगर हम इसको यहाँ लगा देते हैं इस तरह से तो हमें SMD वगैरह से जो वर्क करना होता है उसे करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो तो प्रॉब्लम फेस होती है, उसके अलावा और भी दिक्कतें आती हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है और प्रॉब्लम आती है। और ये जो LED लाइट है इसके अंदर आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको ऐसे राउंड शेप में करना है और इसको ऐसे इजीली इस पर लगा देना है। और ये देखिए इसका जो फोकस है कितना प्यारा रहने वाला है क्योंकि ये जो एडजस्ट हुई है ये बिल्कुल इस जगह पर एडजस्ट हुई है जहाँ इसको होना चाहिए। तो क्यों नहीं एक बार इसको ऑन करके भी देख लिया जाए जिससे कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो किस जगह पर पड़ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है कितना अच्छा नहीं। मैंने तो देखूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी इसको दिखा दूँ। ये मैंने इसको सॉकेट के अंदर उधर लगा दिया और ये जो बटन है इससे मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। ये देखिए ऑन करते ही यहाँ पर आपको लाइट नज़र आ रही होगी वीडियो के अंदर भी कि कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट आ रही है। मैं बंद करता हूँ, देखो अब आप देख रहे होंगे। और अब देखिए इसके अंदर जो लाइट आ रही है इतनी ज़बरदस्त फोकस लाइट आ रही है। अगर इसके नीचे कोई भी हमारा इनकेस मदरबोर्ड रखा है, कुछ भी रखा है,
माइक्रोस्कोप क्या विदाउट माइक्रोस्कोप काम करने में भी इतना ज़बरदस्त मज़ा आएगा, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पर पड़ रही है जहाँ पर हमें ज़रूरत है और वहाँ पर पड़नी चाहिए, इसलिए ये लाइट ज़बरदस्त लाइट है। और इसको अनप्लग करके मैं इसका दूसरा जो फीचर है, चलिए वो भी आपको चेक कराता हूँ। दूसरा जो फीचर है, ये जो लैंप देख रहे हैं आप, इसको हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमारे सामने ऐसे, अधिकतर आपने देखा होगा इस तरह से हमारे सामने एक पावर सप्लाई रखी होती है जो कि हमारे रिपेयर काउंटर पे होती है और हमारे रिपेयरिंग करने में वो काफ़ी हेल्प करती है। तो इसको हम और भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, सपोज़ मान के चले जैसे हमारी पावर सप्लाई यहाँ रखी है और उस पावर सप्लाई के ऊपर मैंने ईजीली इसको ऐसे लगा दिया और ऐसे लगाने के बाद मैंने इसको ऐसे ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद अब जैसे कि आप देख रहे हैं जिस जगह पर मुझे रिपेयर करना है वहाँ पर कितनी अच्छी लाइट आ रही है, और लाइट आने के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पूरा फोकस करके वहाँ देख पा रहा हूँ और मेरी आंखों पर भी लाइट नहीं पड़ रही, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट दी गई है वो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि वो हमारी आंखों पे लाइट नहीं आएगी। अब जैसे सपोज़ मैं अगर आपकी अब इस टाइम सामने की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी आंखों पे लाइट नहीं आ रही, और अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो मेरी आंखों पे लाइट आ रही है। तो ये देखिए कि इसका जो फोकस है, एक जगह जहाँ आप बनाकर रखना चाहते हैं इसका फोकस वहीं बना रहेगा। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इजीली इसको आप परचेस कर सकते हैं, हैंड काफ़ी यूज़फुल लाइट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।